आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मौसम बदलने के साथ साथ ही बीते कुछ दिनों से जिला अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा मरीज नाक कान गले के इस बीमारी से आ रहे हैं। जिला अस्पताल में इन दिनों बदलते मौसम का असर साफ देखने को मिल रहा है। बात करें बीते कुछ हफ्तों की तो यहां पर पहले की तुलना में भी दिन ब दिन जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ी है। देखिए चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी है और मरीज की सेफ्टी भी देखनी है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीज की नाक में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन ना करें और गला भी देखना है तो बहुत देख तो रहे हैं पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट डाल के नहीं देख रहे हैं। तो हम अपना बचाव इस तरह से कर रहे हैं, मरीज की बात को ध्यान से सुन के निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इसको क्या परेशानी हो सकती है। तो बेसिक हमारी अप्रोच इस समय यह है कि मरीज को कम से कम टच करते हुए उसको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। इन दिनों जिला अस्पताल में नाक कान गले से संबंधित रोगों के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल के MSENT डॉक्टर अतुल जैन ने बताया कि बदलते मौसम के चलते इन दिनों नाक कान गले से संबंधित बीमारी के मरीज पहले की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ देखा जा रहा है। खतरनाक तो बहुत है भाई साहब, मरीज को समझाते हुए मतलब सरकार को 6 महीने हो गए, डॉक्टरों को समझाते हुए 3 महीने हो गए, OPD 1 जून से चालू करी है, इसके बावजूद मरीज की सेहत पर असर नहीं है। हर मरीज को यही बोलना पड़ता भैया मास्क बराबर लगा ले, दूरी बराबर रख ले, पुलिस वालों का सहयोग भी ले रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ तक मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो करीबन 110 से 125 मरीज हम पर डे देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर मरीज नाक और गले के आ रहे हैं। थोड़ी सी कान की परेशानी चल रही है, बारिश का सीजन है तो कान में फफूंदी भी लग रही है, वैक्स भी है, पर बेसिकली जो मरीज आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास गले के सिम्टम्स के, कि गले में कुछ अटक रहा है, काढ़ा पीने से, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों के सेवन करने से डरे हुए हैं, खा नहीं रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर अतुल जैन ने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों से अपील की कि वो सावधानी बरतते हुए COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें, मास्क और सैनिटाइजर को ज़रूर महत्व दें। देखिए आपको 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान से रखनी है। आपका बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री का, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सट्रीम हीट में मत जाइए, एक्सट्रीम हीट से एकदम कोल्ड में मत जाइए। आप बाहर से आए सीधे शील्ड रूम में घुस गए, वहाँ से आपको जुकाम पकड़ने की संभावना है। पहली चीज़ प्रिकॉशन के तौर पे आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं, मास्क को ना उतारें, चेहरे को हाथ ना लगाएं और बालों पे बार बार अपना कोम्ब नहीं करना है। आप कोई टोपी पहन लें या बालों को जैसा है वैसा ही छोड़ दें। ये दौर में फैशन की इच्छा ना करें कि मेरे को बढ़िया बढ़िया लुक आना है, वो नहीं है। आप अपने अगर हेड एंड नेक को टच नहीं करते हैं तो कोरोना पकड़ने की संभावना कम हो जाती है। इन दिनों लोगों को आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के लक्षणों और सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण के बीच के अंतर को जरूर समझें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अनिल, सी न्यूज़ आगरा।